पापा बड़ी मुश्किल से मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, मैंने फॉर्म भी भर दिया है, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूँगा, प्लीज़ रोकिए मत ना पापा, जाने दीजिए ना प्लीज़। खुद उठता नहीं, एक अंडा तक उबालने नहीं आता और बोल रहा है सब कुछ मैनेज कर लूँगा। मम्मी जाने के पहले आपसे क्रैश कोर्स ले लूँगा बस। अरुण बेटा तो यही कॉलेज में एडमिशन ले ले, अपने नूरगढ़ में भी तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। पापा नूरगढ़ LP इंजीनियरिंग कॉलेज हरिद्वार, वहाँ एडमिशन मिल रही है मुझे, वो कॉलेज इस कॉलेज से मच बेटर है, मम्मी उसकी रैंकिंग वे अबव है। जो भी है मैं तुझे वहाँ हॉस्टल में अकेले नहीं रहने दूंगी, कह देती हूँ। हाँ मम्मी आपके डर का कोई लॉजिक नहीं है, इस हिसाब से तो मुझे गाँव से ही बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है रे, बस तू थोड़ा सा बड़ा हो जा, उसके बाद जहाँ जाना है जाना। पापा 19 साल का हो गया हूँ, अब इससे ज़्यादा और क्या बड़ा हो जाऊँ, और कितना भी बड़ा हो गया आपके और मम्मी के लिए तो हमेशा बच्चा ही रहूँगा ना। पापा प्लीज़ मेरा करियर मेरा फ्यूचर इस कॉलेज से जुड़ा है, प्लीज़ जाने दीजिए ना। आप दोनों यूँ ही डर रहे हो, जब तक ये बाहर निकलेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, और एक महीने में डब्बू से डब्बू बच्चे सही हो जाते हैं हॉस्टल में, और तो खैर स्मार्ट है। विकी मम्मी पापा देखो, हम दोनों में से अरुण हमेशा पढ़ाई में स्मार्ट रहा है, हमेशा स्कूल में फर्स्ट या सेकेंड ही आता था, और LP इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पढ़ने जा रहा है टॉप का कॉलेज। आप ही मेरे सच्चे भाई हो। सच्चे भाई के बच्चे, भैया को पहले से पटा के रखा है ना? पटाया नहीं मम्मी, सिर्फ समझाया है, भैया ने सारी डिटेल्स देख ली इंटरनेट पे, हॉस्टल कैसा है कॉलेज कैसा है सब कुछ हो गया है। हाँ पा कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कुछ जाकर इसे सेटल कराऊंगा और टाइम टू टाइम खबर भी लूंगा। विकी लेकिन अभी भी ये बच्चा है। पापा यहाँ की बात अलग है, हम सब यहाँ हैं इसलिए प्रोटेक्टेड रहा है, जब ये हॉस्टल में अकेला रहेगा ना तो अपने आप इंडिपेंडेंट बन जाएगा। प्लीज पापा हाँ बोल दीजिए ना प्लीज। ठीक है बेटा, अब जब तूने फैसला कर ही लिया है और विकी भी तेरे साथ है तो ले ले एडमिशन, नहीं रोकूंगा तुझे। यस थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। खुश रहो। मम्मी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा आप हंस दो ना मम्मी, हंस दो ना, हंस दो ना, हंस दो ना। अरुण गुप्ता नाम है सर, MBA का स्टूडेंट था। ये घर प्रोफेसर सुजीत सोलंकी और उनकी वाइफ शमिता सोलंकी का है, उन्होंने ही सुबह रिपोर्ट किया था हमें सर। ये अरुण किराएदार था इस घर में? नहीं सर, सुजीत सोलंकी अरुण के प्रोफेसर थे, MBA कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर रहे थे कम से कम खर्चे में। एक फैमिली फंक्शन था लखनऊ में, मेरी वाइफ शमिता के कजन के बेटे का नामकरण था, चार दिन पहले गए थे, आज सुबह 8:30 के आसपास लौटे हम। टाइम क्या हुआ? 8:30 बजे। तो 8:30 बजे तक तो अरुण उठ जाता है ना? The number you have called is currently switched off. उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। फिर मैंने शमिता से घर की चाबी ली और दरवाजा खोला। शमिता। हाँ जी। एक कप चाय बना दोगी प्लीज? हाँ मैं बना देती हूँ। अब अरुण से भी पूछ लो, उठा दो उसको। उसका 9:30 बजे का लेक्चर है ना? अरुण, अरुण, अरुण,
शमिता। फिर तुरंत आपको फोन किया सर। बेड के नीचे बॉडी आपको नजर नहीं आई? जी नहीं, बॉडी हमने डिस्कवर की। प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो दोबारा कमरे में गई नहीं। ये लड़का अरुण गुप्ता कहाँ से बिलोंग करता था? नूरगढ़, जिला मेरठ। इसकी फैमिली भी वहीं रहती है? जी, घर में पेरेंट्स हैं और साथ में एक बड़ा भाई भी। आपने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया? अभी तक कुछ नहीं किया, हम लोग वैसे ही इतने शौक में थे। उनका नंबर तो होगा ही आपके पास, प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिए। जी, उसके बड़े भाई विक्रम का नंबर है। बाबूराम जी से कहना कि जब भी यहाँ से गुजरना तो पेमेंट कर दे, टेंशन नहीं ले। जी मालिक। क्या बात है विकी? हरिद्वार से फोन आया था। अरुण का फोन था? पैसे वैसे चाहिए उसे? प्रोफेसर सुजीत का फोन आया था। क्या बात है विकी, इतना परेशान क्यों है? विकी, पापा मैंने मम्मी को भी कुछ नहीं बताया अभी तक। हरिद्वार में सब ठीक तो है ना बेटा? पापा अरुण, क्या हुआ अरुण को? सब ठीक तो है ना बेटा? तो कुछ बोलता क्यों नहीं विकी? क्या हुआ अरुण को? सर पर जो जख्म है वो बियर बॉटल के इंपैक्ट से हुआ है। कुछ कांच के टुकड़े स्कल में लॉज थे, वो रिट्रीव हुए हैं। ब्रेन हेमरेज। हेवी ब्लीडिंग हुई है, लेकिन मौत सफोकेशन से हुई है। गला घोंट दिया गया। मिला? हर कोना छान मारा, फिर भी नहीं मिला। सर, अरुण का फोन कमरे में नहीं है। अरुण का नंबर देंगे प्लीज? जी। अरुण के फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग तुरंत निकलने वाले हैं यहाँ के लिए। ये अरुण का नंबर। ये टॉवल इस्तेमाल हुआ होगा विक्टिम का गला घोंटने में, और मौत तकरीबन बॉडी यहाँ लाए जाने के 10 से 11 घंटे पहले हुई होगी। 10 से 11 घंटे पहले मतलब कल 6 दिसंबर को रात 11 और 12 के बीच, राइट? करेक्ट। ये लड़का अरुण गुप्ता मेरठ के पास नूरगढ़ का रहने वाला था, हरिद्वार में एमबीए कर रहा था। अरुण को मैं 4 साल से जानता हूँ, जब से वो एलपी कॉलेज में ज्वाइन हुआ तब से। मैं एलपी कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। अरुण मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक था। दरअसल मैंने उसे इनकरेज किया था कि वो इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करे, थोड़ी बहुत हेल्प भी की थी उसकी। आप लोग फैमिली फंक्शन के लिए लखनऊ गए थे 2 दिसंबर को? जी। तो 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक अरुण यहाँ घर पे अकेला था, या फिर उसके साथ कोई और भी था, या घर में किसी और का आना जाना? जी नहीं, हमारी एक नौकरानी है शांति, लेकिन अभी वो छुट्टी लेके गांव गई हुई। अरुण, कल सुबह हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। जी सर, आपने बताया था। हाँ, और शांति भी 4 दिन की छुट्टी पे जा रही है, तो तुम घर में अकेले रहोगे, मैनेज कर पाओगे ना? ऑफ कोर्स सर, नो प्रॉब्लम, मैं बाहर खा लूंगा। अरुण, ये चाय पत्ती है और ये चीनी, और दूध सिर्फ कल तक के लिए फ्रिज में रखा है, उसके बाद तुम्हें मार्केट से लाना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे हैं ना? जी हाँ है, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। भाभी, मैं निकलूँ? हाँ शांति, तू जा, लेकिन 7 तारीख तक लौट आना। हम लोग भी सुबह 8:30-9 बजे तक आ जाएंगे लखनऊ से। 10:30 बज गए, अब तक तो शांति को यहाँ जाना चाहिए। मैंने उसे फोन किया था, बोली शाम तक आएगी। कहाँ रहती? पास ही में, कुंती नगर में रहती। वो जो दीवार पर लिखा है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? फ्रैंकली हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो दीवार पर जो लिखा है वो क्यों लिखा है। 4 साल से आप अरुण को जानते हैं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी? सर हुई भी होगी तो मुझे उसके बारे में नहीं पता। जब इंजीनियरिंग कर रहा था तब कहाँ रहता था? हॉस्टल में। हॉस्टल का कोई दोस्त MBA का, इंजीनियरिंग का, मोहल्ले से किसी को जानते हैं आप? जी हाँ, कुछ लोगों को जानता हूँ। अरुण ने हम तीनों का हरिद्वार क्यों बुलाया, मैं कुछ समझी नहीं। आप लोग कुछ ढंग से बता भी नहीं रहे हो मुझे। विकी, अरुण ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कुछ? मम्मी अरुण,
रिवेंज किलिंग का केस लगता है। पार्ट टाइम एमबीए और पार्ट टाइम जॉब कर रहा था लड़का अरुण। पेरेंट्स और बड़ा भाई ऑन द वे है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर कल रात 11 और 12 के बीच हुआ। ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल पाई गई है और पेट में अनडाइजेस्ट खाना। और घर में जो ये सारी चीजें मिली हैं, इनके हिसाब से तो यही लगता है कि इसने किसी के साथ पिया खाया और फिर शायद उसी ने मर्डर कर दिया होगा अरुण का। सर अरुण का फोन मिसिंग है, मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए, उसी से पता चल सकता है अरुण ने खाना कहाँ से ऑर्डर किया था। चाहे डिलीवरी बॉय ने उस दूसरे शख्स को देखा हो जो उस टाइम अरुण के साथ था। पता करो। और ये जो संदेशा छोड़ा गया रेप वाला, इसके बारे में प्रोफेसर साहब और उनकी पत्नी कुछ बोले? उन्हें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं। उनके घर की नौकरानी शांति भी 5 दिन से छुट्टी पर थी। आज सुबह आना था उसे, पर अब शाम को आने वाली है। शांति से सारी डिटेल्स निकलवाओ, कौन आता था, कौन जाता था, लाइफ क्या थी अरुण की। और आसपास के पुलिस स्टेशन में ये भी चेक करो कि अरुण के खिलाफ रेप मोलेस्टेशन छेड़छाड़ के कोई केस दर्ज तो नहीं है। सर केतवाल, अरुण के सभी दोस्तों से बात करो, कॉलेज ऑफिस सब जगह। अरुण का कोई लड़की वाला चक्कर? नो सर, हमने तो कभी कॉलेज में सुना ही नहीं। हर प्रोफेसर हमेशा अरुण गुप्ता की मिसाल देता है, टॉपर जो था। अच्छा तुम लोग अरुण के जूनियर्स हो, करंट स्टूडेंट्स हो, अरुण के क्लासमेट्स कहाँ मिलेंगे और हॉस्टल में उसका रूममेट कौन था? करण था ना सर, बेस्ट फ्रेंड भी और रूममेट भी। कहाँ मिलेगा ये करण? यही हरिद्वार में सर, एक सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म ज्वाइन की थी उसने। उसका कोई नंबर है तुम्हारे पास? हेलो, करण रावत जी, मैं सब इंस्पेक्टर खेतवाल बोल रहा हूँ, रतन विहार पुलिस थाने से। जी बोलिए। अरुण गुप्ता को तुम अच्छे से जानते हो? मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है सर, हॉस्टल में भी मेरा रूममेट था। क्या बात है सर? अरुण अब इस दुनिया में नहीं रहा, इज डेड। क्या क्या बोल रहे हैं आप, कैसे, कब? मुझे तुमसे अरुण के बारे में बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। तुम इस वक्त कहाँ पे हो? सर मैं सुखराय वाला साइड पर हूँ। तुम जल्द से जल्द कब तक आ सकते हो? मैं अभी निकलता हूँ सर, पर आप मुझे बताएंगे ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? नाम है अरुण गुप्ता, उम्र 23 साल, उसका फोटो भेजा है, रिकॉर्ड चेक करो। 23 साल का अरुण गुप्ता है, इसके खिलाफ कोई रेप या अटेम्प्ट टू रेप की कंप्लेन है आपके थाने में? हाँ। कोई पेंडिंग केस है? 4 साल से हरिद्वार में है, हर पेंडिंग केस, बेल केस सब चेक कर लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चार साल पहले 19 वर्षीय अरुण अपने माँ बाप और बड़े भाई के प्यार भरी छत्र छाया को छोड़कर एक नए सफर पर निकल पड़ा था। इन 4 सालों में उसने अपने भविष्य की मजबूत नींव रखने में कुछ कामयाबी हासिल की थी। अरुण एक मेहनती, पढ़ाकू और गुड स्टूडेंट के नाम से जाना जाता था, उसकी मिसालें दी जाती थी। क्या अरुण के व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था? अरुण जहां रह रहा था उस घर में उस रात क्या हुआ था, ये सवाल अरुण के सभी जानने वालों के मन में उठ रहा था। मैं कैसे बता सकती हूँ कौन आया था? मैं तो उस रात 1 दिसंबर को छुट्टी पर थी और उसके अगले दिन मेम साहब सुबह सुबह लखनऊ के लिए निकल गए। उस दिन के बाद मैं आज काम पर आई हूँ। छुट्टी पर जाने से पहले जब से अरुण उस घर में रह रहा है, उसके किसी दोस्त को आते हुए देखा तुमने? नहीं कभी। नहीं साहब, नहीं देखा है। कब से काम कर रही हो? 2 साल। करण भी मेरा स्टूडेंट था, अच्छा स्टूडेंट था अरुण की तरह। 5 और 6 दिसंबर के बीच की रात अरुण के साथ कोई था, ड्रिंक्स ली गई, खाना खाया गया और उसके बाद अरुण का मर्डर हो जाता। मुझे तो पता भी नहीं था कि अरुण पीता है। मतलब अरुण ने इससे पहले कभी भी घर पर ड्रिंक्स नहीं ली? हमारे घर पर कभी नहीं, अगर हॉस्टल में कभी लियो तो बात अलग है। दीवार पर ये रेप वेप के बारे में लिखा जाना इतना घिनौना और भद्दा है कि ये सब कुछ हम अरुण के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे। अच्छा अरुण कभी किसी फ्रेंड को घर पे लेके आया, कोई भी लड़का या लड़की? सर 6 महीने से हमारे साथ रह रहा था, इस दौरान मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा लड़का था अरुण, काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था। मम्मी का रोना रोक ही नहीं रहा है, लाडला था अरुण उनका। पापा मम्मी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये नामुमकिन है, ये कोई साजिश है अरुण को बदनाम करने की। कौन बदनाम करना चाह रहा होगा अरुण को, वो भी अरुण के जाने के बाद?
तुम्हें शक है किसी पर? मुझे नहीं पता सर, पर होगा उसके दोस्तों में से कोई। कौन सा दोस्त? बॉडी शाम तक हैंडओवर कर दी जाएगी। ये सब कैसे हुआ सर? हम भी वही जानने की कोशिश कर रहे हैं करण। मैंने पेपर में पढ़ा उसके कमरे की दीवार पर जो लिखा है। तुम कुछ जानते हो उस बारे में? सर अरुण ऐसा नहीं कर सकता। नहीं मतलब आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को जानते नहीं थे, अब आपसे जानेंगे कि वो क्या कर सकता था और क्या नहीं। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। मैं एक सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या उसका कभी गाँव में कुछ हुआ था, कोई दुश्मन दोस्त तो उसके रहे होंगे? बारहवीं तक तो वो गाँव में ही था। गाँव में कभी किसी के साथ कुछ हुआ था प्लीज याद कीजिए। अरुण की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी सर। तुम्हारी कोई बहन है? नहीं सर। और सर अरुण ऐसा लड़का नहीं था जो किसी लड़की के साथ। वो किसी लड़की के साथ का तो अभी पता नहीं, लेकिन उसके साथ कोई था। अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स अभी तक आए नहीं है, पर इतना श्योर है कि वो जो कोई भी था या थी अरुण के बहुत करीबी था। ड्रिंक्स लिए गए, खाना खाया गया और उसके बाद आराम से उसका मर्डर कर दिया गया। कौन हो सकता है वो करण? मैं तो नहीं था सर, और कौन हो सकता है मुझे इस टाइम कुछ नहीं सोच रहा। हाँ विकी भैया। मयंक, हाल ही में तेरी अरुण से बात हुई थी कभी? नहीं भैया। हाँ कुछ एक आध महीने पहले हुई थी, वो भी कुछ खास नहीं, सिर्फ हाय हेलो। क्या हुआ भैया? अरुण ने कभी किसी लड़की गर्लफ्रेंड वगैरह का जिक्र किया तुझसे, कोई रिलेशनशिप या कुछ? नहीं तो, लेकिन माजरा क्या है भैया? मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो विकी भैया, ये मयंक स्कूल फ्रेंड है? हाँ सर, दोनों पहली से बारहवीं तक साथ ही पढ़े थे गाँव में। अरुण का एडमिशन यहाँ हो गया और मयंक का गांव के कॉलेज में। किसी लड़की का लफड़ा था जरूर, ये जो मैसेज छोड़ा इससे तो यही लगता है कि रिवेंज के लिए, मेरा मतलब बदले की भावना से किया गया मर्डर लगता है। मेरा बच्चा इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता, ये माजरा कुछ और है। क्या है ये आप पता कीजिए। ओके करण, बात करो अपने सारे बैचमेट से छोटी डिटेल भी काम की होगी। मैं जो हेल्प कर सकता हूँ करूँगा। अरुण मेरा बहुत ही क्लोज दोस्त था सर। हरिद्वार के सारे पुलिस स्टेशन, नूरगढ़ स्टेशन, हर जगह के रिकॉर्ड चेक किए मैंने, पर अरुण के खिलाफ कोई कंप्लेन या केस नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि अरुण का किसी लड़की के साथ कुछ हुआ हो और पुलिस कंप्लेन फाइल ही ना हुई हो, उस लड़की ने अपने लोगों को बताया और उन्होंने अपना बदला ले लिया हो। फिर लड़की ने जिससे भी शिकायत की होगी वो अरुण के बहुत करीब का रहा होगा, क्योंकि उस रात दोनों साथ में पी रहे थे। या फिर ये भी हो सकता है कि दीवार पर जो ये लिखा गया ये पैंतरा हो हमारी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए, रेप हुआ ही ना, जैसा कि अरुण के फादर ने कहा, माजरा कुछ और ही हो। प्रोफेसर सुजीत और उनकी पत्नी शमिता दोनों बड़े दिल वाले, इतनी हेल्प कर रहे थे अरुण की, जो अरुण को अपने घर में रहने दिया, अच्छे से देखभाल की उसकी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस अच्छाई में कोई खटास आ गई हो? मतलब शमिता, कहीं ऐसा तो नहीं कि अरुण ने कोई लकीर पार की हो और जो कुछ भी हुआ होगा वो घर के भीतर घर वालों के बीच हुआ हो? शायद उस रात उस घर में बाहर से कोई आया ही नहीं। तो फिर वो जो खाना ऑर्डर किया गया था उसका क्या? डब्बे थे पर उन पर किसी रेस्टोरेंट की मार्किंग नहीं थी। हमारी टीम स्कैनिंग कर रही है इलाके के सारे रेस्टोरेंट और ढाबों की, पर ऐसा कोई रेस्टोरेंट सामने नहीं आया जहां से प्रोफेसर के घर पार्सल भेजा गया हो। तो फिर सुजीत और शमिता अगली सुबह लखनऊ से आए नहीं होंगे, मेरा मतलब वो कहीं गए नहीं होंगे। सर वो हम बैक चेक कर सकते हैं। पता करो लखनऊ में इनके किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई नामकरण था भी या नहीं, और अगर था तो ये वहां पर गए भी थे या नहीं गए थे, और गए थे तो वहां से कब निकले? राइट सर। और इनकी वो नौकरानी शांति, क्या ये वाकई में छुट्टी पर थी या इसे छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया?
या फिर ये भी कहीं नहीं गई, वहीं थी। इस सब में ये भी शामिल है। क्राइम सीन की दीवार पर लिखा गया वो संदेशा वाकई में पुलिस को गुमराह करने की एक चाल थी, या पुलिस की मौजूदा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन गुमराह हो रही थी क्योंकि वो उस संदेशे को एक मिसलीड, एक चाल समझकर चल रहे थे। ये कैसा अजीब सा सवाल है सर? सीधा सवाल है चरण जी, आपके पड़ोस में एक 23 साल के नौजवान का भयंकर कत्ल हुआ है। सवाल जैसा भी लगे जवाब दीजिए। आपके इस सवाल का क्या जवाब दें हम सर, क्योंकि पिछले इतने सालों में प्रोफेसर साहब और शमिता जी के बीच ऊंची आवाज में बात भी नहीं सुनी है। और पिछले 6 सालों से हम अच्छे पड़ोसी हैं सर, ढूंढने जाएंगे तो ऐसी डिसेंट फैमिली नहीं मिलेगी। पर हाँ, उनके घर के अंदर चुपचाप कुछ पक रहा था तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ था कभी। अंदर मतलब? हमारे घर के अंदर? आपका सवाल क्या है, क्लियरली पूछेंगे आप? शमिता जी, मैं क्लियरली पूछ रहा हूँ, क्या इस सारी कहानी मनगढ़ंत है? अरुण का मर्डर हुआ है सर, लाश मनगढ़ंत कैसे हो सकती है? बोल क्या रहे हैं आप? जी मैं सब इंस्पेक्टर खेतवाल बोल रहा हूँ। आप शमिता सुजीत सोलंकी के चचेरे भाई हैं? श्रीकांत जी, आप बता सकते हैं कि शमिता जी से आप आखिरी बार कब और कहाँ मिले थे? दीवार पे किसने लिखा है वो मैं कैसे जान सकती हूँ? जानती तो तुम बहुत कुछ हो शांति, बनो मत। 2 साल से काम कर रही हूँ, इस घर में रहने वालों की नस नस से वाकिफ हूँ। दिन में काफी टाइम घर में ही काम करती हूँ ना तुम? करती हूँ साहब, पर डरो मत। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने कुछ किया है, किसी और ने किया, पर शायद तुम कुछ जानती हो। जो कुछ भी जानती हो साफ साफ बता दो। शांति, तुमने खुद छुट्टी ली थी या तुम्हारी शमिता भाभी ने तुम्हें छुट्टी पर जाने को कहा था? छुट्टी मैंने खुद से ली थी, मैंने शमिता भाभी से बात भी की थी। क्यों गोल गोल सर्कल में बात कर रहे हैं आप? मैं आपका हिंट अच्छी तरह समझ रही हूँ। आप यही कहना चाहते हैं ना कि अरुण की और मेरे बीच अफेयर था और ये बात मेरे पति को पता चल गई, इसलिए गुस्से में आकर मेरे पति ने अरुण का मर्डर कर दिया और अब मैं अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। यस, मिसेस शमिता सोलंकी, क्या सब कुछ ऐसा ही है? आप एक काम करिए सर, मेरे जान पहचान के लोग या कोई भी अनजान जिससे बात करनी है कराइए, पता कीजिए मेरे और मेरे पति के बारे में। मैं आपको दावे के साथ कहती हूं कि आप जान जाएंगे कि आप बिल्कुल गलत तालाब में जाल फेंक रहे हैं। यहां आपको कोई भी सड़ी हुई मछली नहीं मिलने वाली है। आप कितना भद्दा, कितना शर्मनाक आरोप लगा रहे हैं सर। आप मुझे बदनाम कर रहे हैं जबकि मैं और मेरे पति अरुण की बदनामी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, प्रोफेसर और शमिता दोनों लखनऊ में नामकरण के लिए गए थे, 4 दिन वहीं पर ही थे। 2 दिसंबर को वहां पहुंचे थे और 6 दिसंबर की रात को वहां से निकले थे। पवन को कुछ मिला? अभी तक तो कुछ नहीं सर। तो फिर उस रात वाकई में कोई बाहर से अंदर आया था, क्योंकि अंदर की बात तो नहीं लगती। कि सच सच बता, अरुण ने तुझसे कभी कोई बात की थी? कुछ था उसका किसी लड़की के साथ? हे बाबा, किसी लड़की का जिक्र तक नहीं हुआ कभी। तूने कहा था तू उस पर नजर रखेगा, तू वहां जाकर भी आया, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि तुझे कुछ भी नहीं पता? मम्मी, मुझसे कुछ छुपा नहीं था, और मैं कह रहा हूं ना, ये जो बोल रहे हैं सब गलत है। हमारा अरुण ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी तो लगता है कि ये नामुमकिन है। हमारा अरुण ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, किसी ने जरूर उसका नाम खराब करने के लिए उस पर इल्जाम लगाया है। कभी लगता है कि शायद हमारा बेटा बदल तो नहीं गया था, वाकई ऐसा कुछ था।
और किसी ने हमारे बच्चे को जान से मार दिया। इतना ब्राइट स्टूडेंट, इतना बढ़िया फ्यूचर था उसके सामने। शमिता उसके माँ बाप से, उसके भाई से आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैं इतने सारे सवाल पूछ रहे थे मुझसे, जिन सवालों का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। पुलिस भी मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। उन्हें शक है कि उस रात बाहर से कोई अंदर आया ही नहीं था। जो कुछ भी हुआ है वो हमने, आपने और मैंने मिलकर किया है। सर, अरुण के दोस्त करण के फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है। कत्ल की रात वो अपनी साइड रायवाला पे था। शमिता और प्रोफेसर सुजीत के भी रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ है नहीं। और अरुण के फोन रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला? नो सर, किसी भी रेस्टोरेंट को कोई भी कॉल नहीं किया गया। फ्रेंड्स के कॉल? एक महीने से तो कोई नहीं। उसके पहले करण और उसके गाँव का दोस्त मयंक और कुछ दोस्तों के कॉल थे, पर कत्ल की रात और उसके कुछ दिन पहले तक कोई कॉल्स नहीं। किसी लड़की का कॉल नहीं, कॉलेज से या फिर कहीं और से? नो सर। तो फिर कौन है वो लड़की जिसके रेप के बदले में अरुण को मार डाला गया? शांति, वो नौकरानी, उसका भी कोई एंगल नहीं बनता। मैंने चेक किया, कॉलोनी के काफी घरों में काम करती है वो, सभी जगह से क्लीन चिट है। सर, अगर शांति और अरुण के बीच कुछ होता तो कोई ना कोई सुराग जरूर निकलता। तो फिर कौन? शायद खाना डिलीवर करने वाले ने मर्डर कर दिया। खाने के डब्बे कहाँ से आए थे ये अभी तक हमें पता नहीं चला। सर, अभी भी हमारी टीम स्कैन कर रही है सारे फूड जॉइंट्स, पर नो सक्सेस सर। लगता है हमारा पहला अनुमान ही सही है, खाना कहीं बाहर से आया ही नहीं। सर, अगर घर के अंदर ही अंदर कुछ हुआ हो तब भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे हम इस शमिता और सुजीत को धर सकें। कहीं अतीत के किसी कांड का बदला तो नहीं? अरुण का अतीत क्या था पता करो। स्कूल में? नहीं सर, स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। स्कूल में नहीं तो गांव में कुछ? काफ़ी अच्छे दोस्त थे तुम उसके, एक दूसरे के साथ सारे राज भी शेयर करते होगे। बताओ मैम, स्कूल में, गांव में या हरिद्वार में कोई ऐसा किस्सा है जो हमें मालूम होना चाहिए? आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ नहीं है, और अगर होता तो अरुण मुझे ज़रूर बताता, कम से कम जब तक यहाँ था तब तक। हाँ, अगर वहाँ जाकर कॉलेज में कुछ हुआ हो तो हो सकता है उसने मुझसे छुपाया हो, लेकिन सर अरुण ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, बात कुछ और है और हो कुछ और रहा है। तुम्हारी कोई बहन है? नहीं सर। सर, कहीं वाकई में कोई और माजरा तो नहीं है? अगर हो भी तो क्या माजरा हो सकता है पवन? अरुण एमबीए कर रहा था, एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, चलो माना वो दीवार पर की गई लिखाई एक चाल थी, लेकिन क्या छुपाने के लिए चली गई होगी वो चाल? अच्छा खासा अपना फ्यूचर बना रहा था वो लड़का। तो बताओ, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे कॉलेज में नहीं कर सकते? देखा, वो कुछ फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स? मेरे दिल में तुम्हारे लिए, सोचा बोल देना चाहिए। अरुण, इतना टाइम क्यों लगा दिया बोलने में? क्या था ये मेघा को पता था या नहीं, ये किसी को नहीं पता, लेकिन मेघा ने सामने आकर कुछ नहीं बताया। ये एक एंगल था जो पुलिस को कहीं और से तब पता चला जब उन्हें इस केस में पहला ब्रेक थ्रू मिला। हाँ साहब, ये हमारे यहां का डब्बा है। ये केपी मतलब कढ़ाई पनीर, और ये एमकेडी मतलब मां की दाल। ये मेरे लिखा हुआ है, इससे पार्सल भेजने में आसानी होती है। ये बंदा जानते हो उसे? अरे ये तो वही लड़का है ना
जिसका 4 दिन पहले मर्डर हुआ था। लड़के को पहचानते हो, ये भी जानते हो कि मर्डर हुआ है, फिर भी सामने से आया नहीं हमें बताने। ये खाना तुम्हारे यहाँ से लेता था साहब। ये लड़का अरुण कभी फोन करके खाना नहीं मंगाता था, खुद आता था और खाना खाता था, कभी पैक करा के भी ले जाता था। 6 की रात को भी आया था। हाँ साहब। योगेश जी, 1 कढ़ाई पनीर, 1 माँ की दाल और 8 रोटियाँ। गर्मा गर्म रोटियाँ देता हूँ, बस 20 मिनट बैठो जरा। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। हाँ हाँ, 8 रोटियाँ। कोई और भी था उसके साथ? हाँ साहब, कोई था, उसका दोस्त मालूम हो रहा था। 1 कढ़ाई पनीर, माँ की दाल, 8 रोटी पार्सल। ये था? ये तो करण है साहब, अरुण के कॉलेज का दोस्त। ये भी ढाबे पे आया करता था, लेकिन उस दिन ये नहीं था। ये तो प्रोफेसर साहब हैं, ये भी नहीं थे साहब। तो फिर कौन योगेश? कौन था उस रात उसके साथ? ये तो नहीं था। नहीं साहब, इनको भी कभी मैंने अरुण के साथ नहीं देखा। तो फिर अब कैसे बताऊं आपको साहब कि वो कौन था? लेकिन वो जो भी लड़का था वो अरुण की उम्र के बराबर ही लग रहा था, और उस रात से पहले मैंने कभी उसे अरुण के साथ नहीं देखा। हाँ पवन, कुछ मिला? मिल गया, लग गया निशान। क्या हुआ सर, मुझे ऐसे यहां क्यों लाया गया? मैंने क्या किया? मर्डर किया तूने, अपने बचपन के दोस्त अरुण का मर्डर किया है। अब हमें तू ये बता कि क्यों किया? क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग, मैं अरुण का मर्डर क्यों करूंगा सर? उस रात अरुण के साथ यही लड़का था, लेकिन इसका नाम वाम नहीं मालूम मुझे। कोई नहीं, हमें मालूम है। ये कढ़ाई पनीर, मां की दाल, 8 रोटी पार्सल। सुन, मैं क्या कह रहा हूं, 2 बियर भी ले लेते हैं, फिर तुझे एक न्यूज भी देनी है। कैसी न्यूज? अरे यार, बियर पीते पीते बताऊंगा ना, डबल मजा। अच्छे से पूछा तुझसे, इज्जत के साथ, कि अरुण से आखिरी बार तू कब मिला था? क्या बोला तूने? 1 महीने पहले, जबकि 6 दिसंबर को तू उसके साथ था, तूने उसके साथ बियर पी, खाना खाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। अब तू हमें सिर्फ ये बता कि तूने ऐसा क्यों किया, मजा क्या था? देख बेटा मयंक, अब तेरी पोल खुल चुकी है। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 6 दिसंबर को तू हरिद्वार में था, एक ढाबे वाला आई विटनेस भी है, और खुद तेरे माँ बाप ने बोला कि 6 दिसंबर को तू हरिद्वार आया था। अब बोल, ऐसे ही बोलेगा या पहले पिटेगा और फिर बोलेगा? चल बता क्या बात है। तुझे याद है तू मुझे मेघा को लेकर चिढ़ाता था? हाँ, तो सही चिढ़ाता था। क्या मतलब? मतलब ये कि मेघा अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की। और ये तुझे अचानक अब पता चला? नहीं रे, पता तो पहले ही था, लेकिन अब थोड़े दिनों से ऐसा लग रहा है कि मैं भी उसे लाइक करता हूँ। सो सॉरी यार, लाइब्रेरी में अटक गया था। कोई बात नहीं, बैठ। और बता, बाकी सब ठीक? फर्स्ट क्लास, तू सुना? सब बढ़िया। अरुण, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए, मुझे तुम्हारे नोट्स लौटाने थे। एंड हाँ, थैंक यू सो मच, तुम्हारे नोट्स ने तो मेरी जिंदगी बचा ली, ये लो। अरे नहीं नहीं यार, थैंक यू किस बात का। अच्छा मेघा, ये मेरा दोस्त मयंक है। मयंक, मेघा। हाय मयंक। हाय मेघा। अच्छा मेघा, बाय बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय। एकदम से भाई क्यों बोला? वो वेट कर रही थी, तो उसे बैठने बोलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अबे हाँ, वो पैसा वाला लुक दे रही थी। पैसा वाला? अरे क्लासमेट है यार, सिर्फ फ्रेंड है। मतलब सिर्फ फ्रेंड,
गर्लफ्रेंड नहीं? अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। साले तू तो हमेशा से बोलते आया कि तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी जब मैंने तुझे फोन किया था तब भी मैंने तुझसे मेघा के बारे में पूछा था और तब भी तूने मुझे यही कहा कि तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो। अरे तब मैंने उसे प्रपोज नहीं किया था ना यार। लेकिन तूने कभी बताया नहीं तुझे प्रपोज करने वाला है। अरे यार तो अब बता रहा हूँ, तुझे याद है जब तूने मुझे कहा था कि वो मुझे लाइक करती है? उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद मैं भी उसे लाइक करता हूँ, तो कर दिया प्रपोज। और फिर क्या, वो बोली कि इतना टाइम क्यों लगा दिया प्रपोज करने में। स्माइल किया और हाथ पकड़ा तो करंट। यार बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग है। हम दोनों की ऐसी ट्यूनिंग है ना कि बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ आ जाता है। वो होता है ना टेलीपैथी की तरह। बस यही न्यूज थी। अरुण ने कहा था कि उसे मेघा में कोई इंटरेस्ट नहीं है और फिर मुझे बिना बोले उसने उसे प्रपोज कर दिया, जबकि मैं वेट कर रहा था मेघा को प्रपोज करने के लिए। एक दिन मैं अरुण को मिलने उसके कॉलेज गया था, उसका वेट कर रहा था कैंटीन में जब। हाय मयंक। हाय मेघा। अरुण का वेट कर रहे हो? हाँ वो क्लास में है। वैसे तुम भी सेम क्लास में हो ना? हाँ लेकिन मैं ना इतनी सिंसियर नहीं हूँ, मुझे बंक करके एंजॉय करने में बड़ा मजा आता है। मतलब तुम मेरी जैसी हो। मेरी और मेघा की खूब जमी, दोस्ती हुई, हमने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए। मेघा और मैं फ़ोन पर भी चैट करने लगे थे। मैं रेगुलरली मेघा से मिलने यहाँ आने लगा, कुछ ज़्यादा ही रेगुलरली। तो तुझे प्यार हो गया था मेघा से? हाँ सर, अरुण को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं उसे प्रपोज करने वाला था सर, तभी उस अरुण ने। यार मैं भी कितना बेवकूफ था, पूरे कॉलेज के वक्त समझ ही नहीं पाया कि वो भी मुझे लाइक करती है। पर कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। ऐसे एक बात बताऊं, एक तरीके से ना ठीक ही हुआ। अब देखना मेरी जॉब भी है, डेट पर लेकर जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, और वैसे भी अब हम दोनों सीरियस हैं। क्या अबे तू कुछ बोलेगा या ऐसे ही चुप रहेगा? अगर मैं ये कहूं कि मुझे भी मेघा से प्यार है और मैं भी उसे प्रपोज करने वाला था तो तो मैं तुझे मार डालूंगा जान से। उस हिसाब से तो मुझे भी तुझे अभी जान से मार देना चाहिए। ए मयंक फालतू बात मत कर, तू क्या सच में मेघा को प्रपोज करने वाला था? उस वक्त मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था, अरुण को मार दूंगा तो मेघा मेरी हो जाएगी। वो दीवार पे मैंने ऐसे लिख दिया था सर, ताकि कभी पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। लेकिन सर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरुण मेरे बचपन का दोस्त था और मैंने उसी के साथ इतना गलत किया। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। ये माफी की दलील है अब तू कोर्ट में देना? हम गुनहगार को पकड़कर सिर्फ कटघरे में खड़ा करते हैं। मैं सच कह रहा हूं, मुझे दिल से अपने किए पे पछतावा है सर। सर प्लीज। अच्छी बात है तुझे पछतावा है, अब जेल में जमकर पछताना। खूब टाइम मिलेगा तुझे वहां पर, और शायद एक सीख भी मिल जाए कि किसी को रास्ते से हटाने से कोई लाइन क्लियर नहीं होती है। और रही बात मेघा की, अगर उसने अरुण को हां बोल दिया था तो तेरे लिए तो ना ही था ना, भूल जाता, उसे छोड़ देता, पहले था कुछ दिन दर्द के अंधेरे में, अब जिंदगी भर मायूसी के अंधेरे में रहेगा तू जिंदगी भर। सर मेघा को बुलाया, ऑन द वे। ये कैसे हो सकता है कि अरुण के फोन रिकॉर्ड से मेघा का नाम नहीं उभरा? सर वो लोग फोन पे बात नहीं करते थे, चैट ऐप यूज करते थे। जब तक कॉलेज में थे तो हार्डली बातें होती थी उनके बीच, वो भी आमने सामने कैंटीन या लाइब्रेरी में, बाकी प्रपोज करने के बाद से सिर्फ चैट ऐप यूज होता था। आगे से सभी केसेस में, खास करके यंगस्टर्स के केसेस में,
फोन रिकॉर्ड्स के साथ साथ चैट रिकॉर्ड्स भी निकलो। अगर ये हमने पहले से किया होता तो ये केस कब का क्लोज हो गया होता। तुम दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, अरुण का मर्डर हुआ, झूठा इल्जाम लगा उस पर, फिर भी तुम आगे नहीं आई पुलिस की हेल्प करने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और हम लोग स्टूडेंट्स को इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं लेकिन बेसिक इंसानियत कैसे सिखाए कोई? कितना अच्छा लड़का था, कितना होनहार था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है सब। और वो मयंक भी तो उसी के जैसा था, यंगस्टर होनहार। इट्स स्ट्रेंज, अपनी फीलिंग्स को इस तरह से बॉटल अप करने का क्या मतलब? जान ही ले ली, वो भी अपने सबसे अच्छे दोस्त की। चार साल पहले जब अरुण घर छोड़कर गया था उसके मां बाप के दिल में घबराहट थी, आज जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के हाथों मारा गया है मां बाप के दिल में सिर्फ खालीपन है, दर्दनाक खालीपन। ये कैसा गुस्सा है, ये कैसी वंचित होने की भावना है जो इंसान को यह सोचने पर मजबूर करती है कि अपने अरमानों की तृप्ति किसी की लाश पर भी जायज है। यह आक्रोश होश की सीमा क्यों पार कर जाता है, क्यों धकेलता है इंसान को कत्ल जैसे भयंकर जुर्म की तरफ? अफसोस, खेद, पश्चाताप, ये सारी भावनाएं सही मायने में गलती को सुधारने में बहुत काम आती हैं, लेकिन जुर्म गलती नहीं है, ये एक ऐसा उल्लंघन है जिसमें कानूनी सजा को भुगतना अनिवार्य है, ये इम्तिहान कंपल्सरी है। मयंक पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।